Good morning, students. I am Ashok Kumar from Bhavrav Devra Saraswati Vidya Mandir. Today, I am going to teach you the topic verb. This is the topic from the English grammar. Let's start the topic verb. Students, first of all, we would discuss about the definition of verb. So, what is verb? स्टूडेंट्स अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, एक वर्ड जो कि एक्शन को शो आउट करता है, स्टेट को शो आउट करता है और इवेंट को शो आउट करता है, इज कॉल्ड अ वर्ब. सो इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. ये एक बहुत ही जरूरी पार्ट होता है एक सेंटेंस का. विदाउट वर्ब वी कांट इमेजिन टू मेक अ सेंटेंस एंड इज नोन एज द सोल ऑफ लैंग्वेज. इसे हम लैंग्वेज की आत्मा भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें जो डिस्कस करना है वो करना है एक्शन, स्टेट और इवेंट पर. दे स्टडी इंग्लिश ग्रामर. यहां जो स्टडी है वो स्टूडेंट्स एक एक्शन है. स्टडी का मतलब अध्ययन करना, तो कोई काम कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है. सो दैट्स व्हाई वी से दैट स्टडी इज द एक्शन. वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे विथ पॉम्प एंड पाव. तो हम जो सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे वो पॉम्प एंड पाव यानी कि खुशियों जोर जोर शोर के साथ करते हैं. सो इट इज कॉल्ड द इवेंट. ये एक ऐसा वर्ब है जो कि इवेंट को शो आउट कर रहा है कि हमने इस इवेंट पर ये वर्क किया. एंड द नेक्स्ट इज इवेंट स्टेट. स्टेट का मीन्स स्लिप. एक ये अवस्था है. स्लिप वर्क तो हो रहा है लेकिन एक अवस्था में हो रहा है. ओके, सो इट इज कॉल्ड द स्टेट. सो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट स्टडी इज द एक्शन जो कि एक्शन को शो आउट कर रहा है. अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट द प्ले सो प्ले इज द एक्शन. इसमें कुछ वर्क हो रहा है. ओके, सेलिब्रेट इवेंट हो गया. ओके, और वी कैन से इनॉग्रेट, ये एक क्या हो गया, इवेंट हो गया. और इफ आई स्लिप स्पीक सो इट इज कॉल्ड द स्टेट. एक सिचुएशन, एक अवस्था. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द वर्ब. सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब. सो नेक्स्ट वी वुड डिस्कस अबाउट द काइंड ऑफ वर्ब. स्टूडेंट्स इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्ब्स. So first is regular verb. So what is regular verb? So regular verb means a verb that past second and past participle third form. Okay. So regular verb is called by D or ED is called regular verb. Regular verb क्या होती है? जब हम किसी second और third form में ED use कर लेते हैं तो वो regular verb कहलाती है. For example, call. Student, this is the first form. If you want to write the second form, so you are to write the ed. So this has been made second form and it is also the third form. The third form bhi hai. So regular verb are the verb which are made to use d or ed. So d or ed ko use karke jab second or third form use ho jati hai to wo regular verb hogi. Next is irregular verb. So if the formation of the verb is otherwise than the regular verb, it is called irregular verb. जो कि regular verb से difference हो. For example, run. So run is a first form. तो इसमें हम ed use नहीं करेंगे. So if you write the second form, so you are to write rain. So ये जो first form है वो थोड़ा सा इससे मिलती जुलती है. और if you write the third form, so it is called the run. It is the same. तो ये क्या कहलाएगी, irregular verb. Because the formation of the second and third form is like a first form. वो first form के समान ही होता है. कुछ एक word की changing हो जाती है. For example, sleep. S-L-E-E-P. Sleep is the first form. If you write the second form, slept. And third form is also slept. Next is linking verb. A verb that acts as a linking link between two words.
लिंकिंग वर्ब का मीन्स होता है जो दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट आई एम ए बॉय, इफ आई राइट आई एम ए बॉय, सो यहां पे आई इज द प्रोनाउन एंड बॉय इज द एंड द बॉय इज द नाउन. सो ये जो वर्ड है इन दोनों को जो जोड़ा जा रहा है, और वी कैन से ए इज द आर्टिकल, इन दोनों वर्डों को जो जोड़ा जा रहा है वो किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है, एम के द्वारा. सो इट इज कॉल्ड द लिंकिंग वर्ब. फोर्थ इज ट्रांजिटिव वर्ब. सो व्हाट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब दैट नीड्स ऑब्जेक्ट, एक वर्ब जिसे अपना सेंस क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है, सो इट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब. सो ऑब्जेक्ट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई स्लिप, मैं सोता हूँ, तो आई स्लिप ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है. अब अगर मैं कहने लगूं आई वॉश, इफ आई राइट आई वॉश, आई वॉश, तो यहां पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे सर क्या वॉश करते हैं, व्हाट वॉश, तो मुझे उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, जब तक मैं यहां पर माई क्लॉथ्स, जब तक मैं यहां पर क्लॉथ्स नहीं लिखूंगा ये सेंस क्रिएट नहीं होगा. सो द वर्ब दैट नीड्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. सो दिस इज द एंटी और दिस इज द अपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. इट मीन्स इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की नीड होती है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती. सो इफ आई राइट आई स्लिप या आई फाइट, एफ आई जी एच टी, मैं लड़ता हूं, तो अपने आप में कंप्लीट है, आई फाइट आई स्लिप. लेकिन जैसे ही मैं ये लिख देता हूं आई ईट, मैं खाता हूं, तो ईट एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसे सेंस क्रिएट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. तो आई ईट क्या खाते हो, आई ईट बनाना, आई ईट एप्पल, आई ईट चपाती. सो यू आर टू राइट द ऑब्जेक्ट. लेकिन अगर हम लिखें फाइट, मैं लड़ता हूँ, तो क्या लड़ते हो, भी लड़ाई तो लड़ाई है. सो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें वर्ब ही यूज़ करने से उसका सेंस क्रिएट हो जाता है, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट के बिना उसका सेंस क्रिएट नहीं होगा. तो जो ऑब्जेक्ट के जिन्हें जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड है तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव, और जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है दीज आर द कॉल्ड इंट्रांजिटिव. सो नेक्स्ट इज फाइनाइट वर्ब. सो फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, finite verb means those verbs which can change their form according with the subject. If you get, so there is an example, she plays cricket, वह cricket खेलती है. ओके, इफ आई राइट आई प्ले क्रिकेट, स्टूडेंट जैसे ही वो शी था तो उसके साथ एस लग गया, जैसे ही वो आई हुआ इसके साथ हमने प्ले हो गया. तो जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हुआ उसके वर्ब चेंज हो जाते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब. इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है, उसमें कोई इनफाइनाइट इन्फिनेटिव इज अ, इनफाइनाइट इज अ वर्ब विच हैज टू बिफोर इट, जो इनफाइनाइट होते हैं उसमें टू यूज हो जाता है. सो उसमें टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो इनफाइनाइट जो होते हैं वो चेंज नहीं होते. सो स्टूडेंट्स दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्ब्स. सो आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टैंड. सो यू आर टू राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ एवरी टाइप्स ऑफ वर्ब्स. ओके, थैंक यू बेटा.